ज्यादातर महिलाएं 3 बार शॉपिंग करती है, पहली बार पसंद करने जाती है, दूसरी बार खरीदने जाती है और तीसरी बार बदलने जाती है। शेर अगर किसी जानवर से डरता है तो वो केवल अपनी शेरनी से। यदि आप अपनी पत्नी से डरते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप शेर हो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। डॉक्टर चंपक से महिला रोगी के पति से, आई एम सॉरी सर, अब सिर्फ 2 दिन की मेहमान है आपकी बीवी। चंपक, डॉक्टर साहब आप ऐसा प्लीज मत कहिए, आपके सॉरी कहने की कोई बात ही नहीं। जहां 27 साल निकल गए तो शेष 2 दिन भी निकल ही जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। गाड़ियों पे एडवोकेट, प्रेस, विधायक, सरपंच, अध्यक्ष, मंत्री लिखने का मतलब साफ साफ होता है कि मालिक के पास लाइसेंस और कागजात दोनों ही नहीं है। दोस्तों, चुटकुलों के बीच एक गणित सवाल बताओ। 363+1?7 इसका आंसर 560 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा? चलो दिमाग लगाओ और कमेंट करके बताओ। डंडे वाली साइकिल के आगे डंडे पे बनी हुई सीट पे बैठ के बचपन में किसी राजा रानी की तरह पापा के साथ कितनों ने मेला घूमा है, हम तो बहुत घूमे हैं। बस की लाइन में एक बुजुर्ग बस का इंतजार कर रहे थे, तभी वहाँ एक नौजवान लड़का आया और उसने बुजुर्ग से कहा, अंकल जी टाइम क्या हो रहा है? बुजुर्ग, मुझे नहीं पता। लड़का, लेकिन आपके हाथ में खड़ी तो है, प्लीज बता दीजिए ना अभी कितना समय हो रहा है। बुजुर्ग बोला, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। लड़का, पर क्यों अंकल जी? बुजुर्ग, क्योंकि अगर मैं तुम्हें समय बताऊंगा तो तुम मुझे शुक्रिया बोलोगे और अपना नाम, काम, ठिकान बताओगे, फिर तुम मेरा भी नाम, काम पूछोगे, फिर हो सकता है कि हम लोग आपस में और भी बातचीत करने लगे और हम दोनों में जान पहचान हो जाएंगी। तो हो सकता है कि बस आने पे तुम मेरी बाजू वाली सीट पे ही बैठ जाओ, फिर हो सकता है कि तुम भी उसी बस स्टैंड पे उतरो जहां मुझे भी उतरना है। वहां मेरी बड़ी बेटी मुझे लेने बस स्टॉप पे आएंगी, उस समय तुम भी मेरे साथी होगे और तुम उसे देखोगे और वह भी तुम्हें देखेंगी। फिर हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे को अपना नंबर दे बैठो, मिलने लगो और फिर शादी करने की जिद करने लगो, और मैं इतना भिखारी दामाद कभी नहीं चाहता जिसके पास खुद की घड़ी भी ना हो। पापा लड़के से, बेटा तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, सैलरी ज्यादा बताना। लड़की के पिता, कितना कमा लेते हो आप? लड़का, अंकल वैसे तो मेरी सैलरी 1 करोड़ है, लेकिन कट कटा के 11,000 मिलते हैं। लड़की का बाप बेहोश। पति दंगल पिक्चर का गाना कहीं से सुनाया और वो गाना गुनगुनाने लगा, ऐसी धाकड़ है धाकड़ है। घर में गाना गा रहा था तभी उसके मुंह में गुटका होने के कारण आवाज ऐसी डाकन है निकल रही थी। बीवी ने सुन लिया, उसके बाद पति का अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक सच बात, ये जिंदगी है साहब, यहाँ पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी मानते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के शुद्ध पारिवारिक चुटकुले देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।